ये है ईटीवी भारत, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम। हरिद्वार पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर उठाई एमएसपी गारंटी कानून को लेकर आवाज, बोले रोटी बाजार की वस्तु ना बने, इसके लिए एमएसपी गारंटी कानून जरूरी। पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर लगाए गंभीर आरोप, कहा मेरे साथ किया भीतरघात, विकास कार्यों पर अड़ंगा भी लगाया। रामनगर जिम कॉर्पोरेट के गर्जिया पर्यटन जोन में बाघिन ने पर्यटकों की जिप्सी की तरफ लगाई दौड़, दहाड़ मारते हुए जंगल की तरफ रवाना, वीडियो आया सामने। हरिद्वार के लक्सर में वन विभाग ने किया गुलदार का रेस्क्यू, एक हफ्ते से गुलदार की मूवमेंट से दहशत में थे ग्रामीण, रेस्क्यू के बाद ग्रामीणों ने भी राहत दिखा। बागेश्वर जिला अस्पताल में एनेस्थीसिया डॉक्टर का टोटा, सर्जन डॉक्टरों को ऑपरेशन करने में हो रही खासी दिक्कत, डॉक्टरों ने जल्द तैनाती न होने पर आंदोलन और इस्तीफे की भी धमकी। अधिकारियों और कर्मचारियों की कमी से जूझ रहा उत्तराखंड वन विकास निगम, प्रति नियुक्ति और आउटसोर्स के जरिए चल रहा निगम का काम, राजस्व में आई भारी कमी। उत्तराखंड एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के रिश्तेदार के घर हुई डकैती में शामिल डकैत को किया गिरफ्तार, आरोपी पर डकैती, लूट, चोरी और हत्या के प्रयास के दो दर्जन से अधिक केस दर्ज। रुड़की पुलिस ने किया वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, एक नाबालिग समेत तीन आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों के कब्जे से चोरी की 8 बाइकें बरामद। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी में गोदाम पर मारा छापा, 50 क्विंटल प्रतिबंधित पॉलीथीन की बरामद, गोदाम सील मालिक के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। उत्तराखंड में सुबह शाम कड़ाके की ठंड और पाले ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, मैदानी क्षेत्रों में कोहरे ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, विजिबिलिटी ने रोकी वाहनों की रफ्तार। ताजा खबरों के लिए लॉग इन करें www.etvbharat.com।